एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे राहु के पोजीशन 7th हाउस में क्या होता है। जब राहु सप्तम भाव में होता है वो किस किस चीज़ के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देता है। ये हमारा 7th हाउस है। अगर यहाँ पे राहु प्लेस यहाँ पे अगर राहु की प्लेसमेंट हो जाती है तो क्या रिजल्ट देता है ये हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और सपोज मेरे बहुत सारे आंसर्स आजकल छूट जा रहे हैं तो आप कमेंट आप लाइव सेशंस में जो कि हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं उसमें आप आ सकते हैं। उसमें आप अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये प्रडिक्शन ले सकते हैं। तो आगे बात करेंगे हम राहु की पोजिशन 7th हाउस में। 7th हाउस सबसे पहले तो होता है ऑपोजिट ऑफ 1st हाउस। 7th हाउस इज ऑपोजिट ऑफ 1st हाउस। 1st हाउस हमारा दिखाता है सेल्फ को, 2nd हाउस दिखाता है अनदर पर्सन। पहली चीज 7th हाउस से बाकी यह चीजें हम देखते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट जो सबसे मेन चीज कही जाती है वो है मैरिज। इससे हम देखते हैं पार्टनरशिप। 7th हाउस से हम देखते हैं अपना बिजनेस। 7th हाउस से अगर हम कहें बॉडी पार्ट्स के बारे में तो सेक्स ऑर्गन्स। अब ये इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम 7 से देखते हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो यही है। अभी 7th हाउस तो मैंने आपको बता दिया, बट राहु क्या है। अगर हम राहु की बात करें 7th हाउस में तो ये सब चीज़ें आ गई। अब राहु की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राहु है हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत एक मिस्टीरियस प्लेनेट है। मिस्टीरियस है मतलब इसके बारे में ये क्या रिएक्ट करेगा इसको जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं। हम अगर 7th हाउस में अगर राहु प्लेसमेंट है और हम ये कहते हैं कि ये खराब होगा, ये आपको ऐसा चीज़ें दे देगा या फिर आपकी मैरिड लाइफ तोड़ देगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राहु अगर हम बात करें तो एक अगर आप मैजिशियन होगा वो भी राहु है। अगर आप एक साइंटिस्ट कहेंगे तो वो भी राहु है। मजिशियन राहु है, साइंटिस्ट राहु है। एक मिनट, पहले 7th हाउस है ये। अब हम बात कर रहे थे राहु की। राहु एक मैंने जैसे बताया बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है तो इसकी हमें प्लेसमेंट बहुत ध्यान से देखनी होगी। तो जैसे हम मैं बात कर रहा था राहु एक अगर आप छलावा कहते हैं ना जिस चीज को, वो मैजिशियन होता है क्योंकि मैजिशियन आपकी आंखों के सामने धोखा कर रहा होता है। राहु मैजिशियन है, राहु साइंटिस्ट है, राहु लीडर है। राहु इस प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल है। राहु एक ये पूरी हिम्मत रखता है कि ये आपको एक रातों रात ये आपको रंक से राजा बनाने की हिम्मत रखता है, सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है। अब इसके बाद है ये ऑब्सेशन को दिखाता है राहु, आप किसी से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं ये चीज राहु दिखाता है। राहु की आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि राहु की पोजीशंस किस बहुत सारे हाउसेस में अगर हम डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे कि ये मतलब एक बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि कब ये क्या रंग बदल दे आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स, उनका राहु बहुत अच्छा होता है, वो भी हम 7th हाउस इसे देखते हैं। अगर हम कहें तो एक्सीडेंट्स, ये भी राहु से देखते हैं। ये ऑल्दो मार्स भी देखा जाता है बट एक्सीडेंट्स आप राहु देखते हैं। जो भी आपकी वाइन या शराब इन सब, ये भी राहु भी इसका भी कारक राहु होता है। उसके बाद अगर आप देखें कि अगर आप ये देखें कि जो वायरस होते हैं जो हमारे कीड़े वायरस बैक्टीरिया
या आप कह सकते हैं आपकी जो कोई भी बीमारी होती है, हेल्थ इश्यूज, इनमें राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। राहु हमारा डिले का भी कारक होता है। राहु चीजों को ब्रेक भी कराता है, तो ये सब चीजें राहु करवाता है। अब हमें किस तरीके से जज करना है कि आपकी, पहले हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है, मैरिड लाइफ खराब करेगा या नहीं, राहु आपकी मैरिड लाइफ खराब करेगा या क्या क्या चीज़ है आपको ये देगा, ये सब चीजें हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आपको अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि राहु के नक्षत्र क्या है और राहु का सब लॉर्ड क्या है, ये आप देखेंगे। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, वहां पे आपको राहु के नक्षत्र दिखा देगा और सब लॉर्ड दिखा देगा। तो अगर अब आप देख कंडीशन देख लीजिए, राहु अगर आप कहें राहु का कनेक्शन है सेवेंथ का, सेवेंथ हाउस में, क्योंकि राहु है आप मान के चल रहे हैं, सेवेंथ हाउस का कनेक्शन हो गया है इलेवेंथ के साथ, तो ये आपको परफेक्ट मैरिज लाइफ देगा। आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आने देगा, आपके रिश्ते को जोड़ के रखेगा, ये एक्सीलेंट हो गया पार्टनरशिप के लिए। ये एक्सीलेंट हो गया आपके पार्टनरशिप के लिए। इसके साथ अगर फाइव भी आ जाए तो एक्सीलेंट हो गया लव मैरिज के लिए। लेकिन राहु के साथ एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगर आपकी मैरिज हो रही है राहु प्लस शनि, ये दो आ रहे हैं, या फिर राहु प्लस केतु आ रहा है, तो एक ये हो सकता है कि जो आपका मैरिज ये पार्टनर है ये थोड़ा सा आपसे बड़ा हो सकता है एज में, ये डिपेंड करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इसका इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ बन गया तो अच्छा, लेकिन अगर राहु, क्योंकि सेवंथ हाउस में है, इसका अगर रिलेशन बन गया आपका सिक्स के साथ, टेंथ के साथ या फर्स्ट के साथ, तो ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कब आपका डिवोर्स होगा, कब नहीं होगा। ये सेवेंथ हाउस, यहाँ पे आपका राहु है, अगर आपका सपोज कीजिए 1, 6 और 10 कॉम्बिनेशन बन गया राहु के अंदर, तो ये तो है कि ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय तो पक्का करेगा, लेकिन इसके बाद डिवोर्स होगा या नहीं, देखिए इसमें चांसेस बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं डिवोर्स के, अगर सेवन का कॉम्बिनेशन 1, 6 और 10 के साथ हो गया तो। इसमें भी एक चीज और है, अगर बीच में सपोज कीजिए 1, 6, 10 आपका आ रहा है, इसके साथ 7 प्लस 11 प्लस 2 आ रहा है, तो ये जो इसकी जो नेगेटिविटी है 1, 6, 10 की, ये कम हो जाएगी, तो फिर आप अगर थोड़ा सा चाहें आप एफर्ट करके आप अपनी मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं। लेकिन अगर डिवोर्स की कंडीशन आप देखें, वो कंडीशन होगी 1, ये इसका कॉम्बिनेशन 1, 6 और 10 के साथ, प्लस अगर बीच में 8 और 12 भी आ रहे हैं, तो ये आउट ऑफ, ये सॉरी, आपकी कोर्ट में सेटलमेंट होगी और ये केस जाएगा। लेकिन डिवोर्स के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, दशा भुक्ति या फिर अंतर में कहीं ना कहीं राहु केतु या शनि होने चाहिए, तभी आपका डिवोर्स होगा, अदरवाइज डिवोर्स नहीं होगा। अभी जैसे अगर आपने, लेकिन एक चीज है, राहु क्योंकि यहां से जो दृष्टि डालेगा फर्स्ट हाउस में,
ये थोड़ा सा ना आपके जो आप देखेंगे जिनके 7th हाउस में राहु है उनका जो थोड़ा सा अगर आप कहें कलर वो थोड़ा सा सांवला होगा, उनमें पेशेंस की कमी होगी, उनमें ये होगा कि मैं इस चीज को मतलब पा लूं बहुत जल्दी, और इस कारण वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे, थोड़ी रेस्टलेसनेस होगी, माइंड थोड़ा सा मतलब ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा कभी कभी काफी टाइम डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर और इसके साथ अगर एक चीज तो ये थोड़ी सी जल्दीबाजी करने की जो इनकी आदत होती है, और लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो ताकत रखते हैं दुनिया को बदलने की, जो आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप लेते हैं और मतलब किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। ये बहुत अगर क्योंकि राहु 1st हाउस को देख रहा है तो ये राहु इनको बहुत लॉजिकल बना देता है, ये लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, तो और लॉजिकल होते हैं प्लस इनका जो माइंड होता है वो काफी शार्प होता है, बस थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं इसलिए ये इसमें प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ये कोई इसमें कुछ ज्यादा मेजर इशू ऐसा रहता नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा जो माइंड में रेस्टलेसनेस होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कि राहु जब 7th हाउस में होता है तो कैसे रिजल्ट देता है, तो प्लीज बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप कोई भी सजेशन है आपका कि किस तरीके से वीडियोस और अच्छे बनाए जा सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।